बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हैदर ब्लॉग। इस टाइम हम दाता हजूर के पास मौजूद हैं। एक भाईजान है जो कहते हैं जी मेरा आधा धड़ कोई मखलूक है, उनसे बात करते हैं, आप खुद जान लीजिएगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम खालिद है। हाँ जी। और मैं कोट में मालक का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। मैं दरअसल मेरे लिए बीमार था, मेरे ना सराफी मामला थे, तो मैं शाहजी बाबा जलाली बाबा के पास गया था। हाँ जी। तो वहाँ पे से मेरे को कुछ मखलूकात ने ऐसी में घेरा है। हाँ जी। हो सकता है मेरे से वहाँ कोई गलती कोताही हुई है, तो ऐसी कोई मखलूकात ने घेरा हुआ है मेरे अंदर। तो ये आधा धड़ अभी कुछ मखलूकात के अंडर में है मेरा। अच्छा। और आधा धड़ जो है मेरा ऊपर कुछ सही सलामत मेरे गुर्दों को और दिल को डैमेज किया गया है, उनके असरात हैं मेरे अंदर। मेरे जिस्म के साथ खिलवाड़ किया है, मेरे नफ्स के साथ भी खिलवाड़ किया गया है। ये अदाओं वाले ने मेरी ऐसी जगह से मुझे मारा है। मेरे जिस्म में रोज़ाना नया स्ट्रक्चर डाला जाता है। ये बोलते हैं कि किसी की फरमाइश है पर नाम नहीं बताते। मेरी ज़िंदगी को खतरा लाए गए। इस बाबा के दरबार में मदद के लिए आया हूँ। ये दाता साहब के पास, दाता साहब के पास ये मुझे यहाँ से ले कर जाना चाहते हैं। ये बंदर जैसा जानवर मेरे जिस्म में उतारा जाता है और बोलते हैं कि ये लुत्फा इस्तेमाल कर। ये भी दरबार के नज़दीक नहीं जाने देते। ये यानी गंदी मेरे को बदबू थी सुंघाते हैं अंदर से, गंदगी की वजह से पाक जगह पे आपको नहीं जाने देते। नहीं जाने दे रहे। मैं जाता हूँ ये उधर भी मेरे को बहुत नुकसान तंग करते हैं। मैं वायरल कर दिया तो आले रसूल का वास्ता है। तो आपको पता चलता है जब आगे नीचे वाला धड़ काम नहीं करता। मेरे साथ ही ये देखेंगे, ये डॉक्टर नहीं है, बुजुर्ग नहीं है, ये उनके आपने क्या उधर जो ऐसा किया जिसकी वजह से आपको ये? कुछ नहीं मैंने ऐसा किया। आपने कोई किया होगा जो? बल्कि मैं वहाँ पे झाड़ू लगाता हूँ। तो आपने अपना इलाज किसी को नहीं दिखाया? बाबा के पास आया हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको शफा मिलेगी। मैं इंशाल्लाह ताला दुआ करता हूँ कि आपको शफा मिलेगी। जब आपका धड़ नीचे से आधा नहीं काम करता आपको महसूस होता है? अरे भाई, ये मेरे पैर भी उसके बने हुए हैं, मेरे ये पैर भी अपने नहीं है। ये देखो मेरा क्या हाल हुआ भाई। ये देखो मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मेरे को कुछ नहीं है। ये वो मखलूकात अंदर घुसी पड़ी है मेरे। ये देखो मेरे पैरों में ऐसी सूजन आई है। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं जी मैं किसी दरबार पे गया था, उधर से मेरे से कोई गलती हुई है जिसकी वजह से मेरा आधा धड़ काम करना छोड़ गया है, वो मेरे अंडर में नहीं है। वो मुझे महसूस होता है जैसे बांदर का मुझे आधा धड़ लगा दिया गया है। तो इस टाइम वो दाता साहब मौजूद हैं, कहते हैं जी मैं दाता साहब अर्ज़ ले कर आया हूँ, दाता साहब से अपना दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला मुझे सही कर दे और मैं सलामत रहूँ। वो चीज़ मेरे अंडर में नहीं है, वो मुझे अपनी तरफ खींचती है, लिहाजा इनके लिए दुआ की जाए, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरे चैनल के साथ रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।